अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान। आप देख रहे हैं रेहान कुकिंग। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। ताकत का ख़ज़ाना बच्चों को दीजिए रोज़ाना, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक प्याली आटा लिया है, देसी आटा। आपके पास जो आटा इस्तेमाल करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक अंडा, और इसके साथ हमें चाहिए दूध, और इसके साथ हमें चाहिए हसबे जायका चीनी। चलें शुरू करते हैं। एक बोल लेंगे, और बोल में सबसे पहले ऐड करेंगे आटे को। एक छोटी प्याली आटे की वो ली है, और इसके साथ ऐड कर देंगे दूध। दूध ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। 1.5 से 2 चम्मच हमने इसमें चीनी ऐड की है, और इसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे अंडा। सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसमें देखें इस तरह की ये जो ढेलियाँ हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये सब हल हो जाएंगी। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब इसे हम एक पैन लिया है, उसको मीडियम फ्लेम पे हमने थोड़ा गर्म कर लिया था। उसमें ऐड करेंगे घी, और घी ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे इसे। आप छोटी छोटी रोटियां करके बना लें, 2 से 3 बना लें। पैन को इस तरह आप हिला देंगे ताकि पूरी रोटी गोल हो जाएगी हमारी। ये आप देखें, नीचे से पैन ने इसे छोड़ दिया है। मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका रहे हैं। और इस तरह से इसकी एक साइड जो है वो चेंज कर देंगे। 1.5 से 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। ये चीज़ छोटे बड़े बच्चे बहुत खुश होकर ये खाते हैं। आप अपने बच्चों को लंच में ये स्कूल के लिए ज़रूर डाल के दें। बहुत ही ताकतवर चीज़ें हैं इसमें, दूध, अंडा, और ख़ासकर देसी आटा। इस तरह से देखें, इसकी दूसरी साइड जो है वो भी हम चेंज कर देंगे, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर इसको आ चुका है। और चम्मच की मदद से इसको ऐसा ऐसा दबाएंगे, जहाँ से आप देखें गोल्डन नहीं हुआ उस साइड से आप इसे दबाएंगे तो नीचे वाली जो साइड है वहाँ से भी गोल्डन हो जाएगा। ये इस तरह से देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्राई हो चुका है। आप देखें कितना नरम सा ये तैयार हुआ है। और इस तरह से इसकी दूसरी साइड भी आपको चेक कराते हैं। देखें बहुत ही प्यारा गोल्डन।